हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ एआर में। आज इस वीडियो में आप सभी को जैसा कि थंबनेल में देखे होंगे, इग्नू जून 2023 के एग्जाम के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं दोस्तों, बीपीएससी 132 यदि आपका सब्जेक्ट कोड है तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, मात्र एक क्वेश्चन बताऊंगा एंड सिंपल से। इसी तरह से हमारा सीरीज स्टार्ट हो चुका है, यदि आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, आपको एक प्लेलिस्ट अलग से मिल जाएगी। तो सिंपल से बात करें कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस तरह से है, क्योंकि मैंने इसमें 4 से 5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों को देखा है एंड सिंपल से हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो यदि आप 5 मिनट समय निकाल के इस क्वेश्चन को देख लेते हो तो आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल होगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बिना स्किप करें। तो जैसा कि हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन पे, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट वन इसलिए है दोस्तों कि ये मैं फर्स्ट क्वेश्चन बताने वाला हूँ इस सब्जेक्ट कोड का एंड ऐसे ही क्वेश्चंस और भी आएंगी तो आपको पता किस तरह से चलेगा, इसलिए पार्ट वन है, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर कर देंगे। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि काफ़ी बार एग्जाम में आया है, तो पूरा वीडियो देखना बिना स्किप करे हुए। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन कीजिए। आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्तियाँ होती हैं, उनका वर्णन करें। तो सिंपल से सबसे पहले आपको क्या लिखना है, भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को 3 ऐसी परिस्थितियों में आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई हैं जो इस प्रकार है। आप तो पहले पॉइंट बना देंगे सिंपल से और उसके बाद बाकी तो आपको पता है क्या करना है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है राष्ट्रपति शासन। तो इसमें आपको क्या लिखना है, राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में से एक है। अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि देश के राष्ट्रपति को यह मालूम चलता है, कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों, 356 अनुच्छेद के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह मालूम चलता है कि राज्य केंद्र के द्वारा दिए गए संवैधानिक निर्देशों के अनुसार काम नहीं कर रही है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की शक्ति होती है कि वह किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। राज्य में तो दोस्तों राज्य का शासन चलता है, लेकिन इसमें उनके पास शक्तियाँ होती है कि राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागते ही पूरे राज्य का शासन और राष्ट्रपति के हाथों में चला जाता है। पहले तो वो राज्य का शासन राज्य के हाथों में रहता है, लेकिन अब उस शासन लगाने के बाद राष्ट्रपति के हाथों में चला जाता है। ऐसी स्थिति में राज्य का नियंत्रण मुख्यमंत्री के हाथों में नहीं होता है, बल्कि देश के राष्ट्रपति के हाथों में होता है। सिंपल से यदि आप राष्ट्रपति के हाथ में आ गया, मुख्यमंत्री का सारा शासन हटा दिया गया, कोई भी राज्य केंद्र के द्वारा दिए गए संवैधानिक निर्देशों के अनुसार काम कर रही है, इस बात का पता राज्य के राज्यपाल के द्वारा चलता है और राज्यपाल ही राष्ट्रपति को सूचित करता है। राष्ट्रपति को कैसे पता चलेगा कि राज्य में ये कानून सही से नहीं चल रहा है, तो उसके लिए किसे रखा गया, राज्यपाल को। सिंपल से राज्यपाल ही बताता है राष्ट्रपति को कि ये यहाँ पर गड़बड़ है, आपको यहाँ पर देख लीजिए। तो सिंपल से आगे पढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है जिसके फलस्वरूप राष्ट्रपति के द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। तो आपको एक पॉइंट पूरा दिख गया होगा, सिंपल से आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड वीडियो नहीं तो स्किप थोड़ा थोड़ा देखकर आप उसको लिख सकते हो, अपनी नोटबुक बना सकते हो। तो सिंपल से सेकंड क्वेश्चन आता है, राष्ट्र क्वेश्चन नहीं दोस्तों, सेकंड पॉइंट है ये, राष्ट्रपति आपात की घोषणा। संविधान में अनुच्छेद 352 के तहत पहले कौन सा अनुच्छेद था दोस्तों, 356, एंड अब कौन सा अनुच्छेद आ गया। सबसे मेन पॉइंट होता है अनुच्छेद याद रखना, यदि आप अनुच्छेद देखेंगे पॉइंट आपको नंबर ऐसे ही मिल जाएंगे। तहत अगर राष्ट्रपति को यह सूचना मिले कि देश में युद्ध होने की संभावना है, यह देश में बाहरी आक्रमण होने की संभावना है या सैन्य विद्रोह के फलस्वरूप देश खतरे में है, ऐसी स्थिति में देश का राष्ट्रपति देश की सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है दोस्तों 352 के तहत। अब राष्ट्रीय आपात होते क्या है, काफ़ी सी स्थिति में राष्ट्रपति के शासन को रोक दिया जाता है, तो सिंपल से राष्ट्रपति कुछ भी लागू कर सकता है एंड किसी को भी कुछ भी हटा सकते हैं। तो सिंपल से आगे पढ़ते हैं, वित्तीय आपात की घोषणा। वित्तीय आपात मतलब, वित्तीय का मतलब तो हो गया पैसे से रिलेटेड, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब क्या है, संविधान में अनुच्छेद 360 के तहत अगर किसी भी कारण राष्ट्रपति को यह मालूम चलता है कि हमारा देश के किसी भी क्षेत्र या राज्य में वित्तीय संबंधी संकट उत्पन्न हो गया है या वित्तीय संबंधित संकट पैदा होने वाली है राज्य में, तो ऐसे स्थिति में देश का राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, 350 60 के तहत 356 के द्वारा
राष्ट्र शासन में वो किसी भी देश का राज्य का शासन ले सकता है। एंड फिर उसके बाद हमने पढ़ा 352 के तहत आपात की घोषणा कर सकता है, एंड 307 के तहत अनुच्छेद है दोस्तों विपत्ति आपात की घोषणा कर सकता है। तो आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को दबा देना। ऐसे ही वीडियो आपको पर डे मिलने वाली है। अभी 1 मंथ पूरा कोर्स चलने वाला है इग्नू से रिलेटेड सारे क्वेश्चनों का। तो सिंपल से आप इस चैनल से जुड़कर अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।